हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स। अब हम आ गए हैं हाइव के ऊपर, या बोल दो भैया अपाचे हाइव। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अपाचे पिग। पिग को पूरे अच्छे से पढ़ लिया था, क्या क्या कर रहा था, बस उसी का थोड़ा सा बड़ा लेवल आ गया आपका हाइव। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज है। देखो बेसिकली ये भी वही है जो पिग काम कर रहा था, वैसे ही हाइव काम कर रहा है। पिक क्या काम कर रहा था, जो भी आपकी मैप रिड्यूस के प्रोग्राम्स थे उनको लिखने की नीड नहीं थी, इसकी जगह ये क्या कर रहा था, खुद की लैंग्वेज यूज करके क्या बनाता था, स्क्रिप्ट्स बनाता था। और इसके कंपाइलर के पास जब स्क्रिप्ट जाती थी तो ये फाइनली क्या होता था, मैप रिड्यूस जॉब्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता था। तो हमें क्या होता था, कोड करने की नीड ही नहीं पड़ती थी। यानी स्क्रिप्ट बनाओ, कंपाइलर डालो पिक के कंपाइलर के पास, और यहाँ पर ये जॉब्स मिल जाती थी जिनको फर्दर अपन कहाँ डाल देते थे, हडूप के अंदर डाल देते थे। अब हाइव क्या कर रहा है समझाता हूं। देखो, हाइव इज ए डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर टूल टू प्रोसेस स्ट्रक्चर डेटा इन हडूप। हडूप के अंदर ही वही जो भी आपके स्ट्रक्चर डेटा आ रहे हैं उनको प्रोसेस करने के लिए एक ना डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर टूल होता है। नहीं आया समझ में, अब समझ में आएगा। देखो यहां, देखो यहां मेरे को पता है तुम्हें, जब तक समझाएंगे नहीं ना अच्छे से तब तक समझ नहीं आता। देखो हाइव का जो आर्किटेक्चर है क्या है भैया, पहले समझो आर्किटेक्चर है ये। एग्जाम में आ जाए भाई हाइव आर्किटेक्चर बताओ तो ये बता के आ जाना, पूरे के में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। हाइव बेसिकली क्या कर रहा है, आपके जो भी यूजर आ रहे हैं, जो आपके HDFS से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच में एक ब्रिज बना के दे रहा है हाइव आपका। लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट वे की तरह है, जैसे पिक कर रहा था वैसे ही हाइव कर रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज करता है, जिसके अंदर आपकी यूजर इंटरफेस आ गई। अब इस इंटरफेस के अंदर जैसे वेब UI, हाइव कमांड लाइन एंड HD इनसाइड, ये डिफरेंट क्या है, हाइव के यूजर इंटरफेस होते हैं जो किससे इंटरेक्ट करते हैं, मेटा डेटा के पास में। ठीक है, अब ये मेटा डेटा क्या है, जो भी आप डेटा स्टोर करने वाले हो, क्वेरी करने वाले हो, एनालाइज करने वाले हो, उन सब की इन्फॉर्मेशन रखता है। इन्फॉर्मेशन लाइक कि आप जैसे, पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पर पहले ये समझो कि जैसे अपने पिक के अंदर स्क्रिप्ट बनाते थे, इसके अंदर स्कीमा बनाते हैं। अब बोलोगे सर स्कीमा तो सुना लग रहा है, अरे हाँ रे भैया वहीं से लेके आया हूँ। SQL लैंग्वेज होती है ना आपकी, उसी की तरह हाइव की एक लैंग्वेज है HQL, जो क्या करती है, स्कीमा बनाती है। यानी कि HQL एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, जस्ट लाइक SQL, या आप ऐसे बोल दो कि हाइव ऐसे प्रोवाइड करता है, हडूप प्रोवाइड करता है विद द ब्रिज टू द RDBMS वर्ल्ड। RDBMS के वर्ल्ड को आपको खोल के दे देगा हाइव। हाइव को यूज करोगे तो हडूप आपको विद RDBMS के साथ मिलेगा, साथ में प्रोवाइड करता है SQL डायलेट, यानी SQL डायलेट जो आपका क्या है, HQL है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर स्कीमा को राइट करना है, और उसको राइट करेंगे इनके इंजन के पास जाएगा, उससे क्या होगा, मैप रिड्यूस जॉब्स क्रिएट होगी, एंड फाइनली उसको अपन HDFS हडूप के अंदर पुट कर देंगे। तो यही तो हमारा मेन टारगेट है कि स्कीमा डिजाइन करो, उनको क्वेरी करो, ठीक है, उनको फैच करो और मैप रिड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट करो, और फाइनली उसको हडूप के अंदर डाल दो। इससे क्या हुआ, हमें मैप रिड्यूस के प्रोग्राम्स नहीं बनाने पड़े, हमें जावा सीखनी नहीं पड़ी, हमें क्या आना चाहिए, बस HQL आना चाहिए, छोटी सी क्वेरी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसके अंदर देखो मेटा डेटा क्या कर रहा है, मेटा डेटा को समझो आप, मेटा डेटा क्या कर रहा है, जो भी आप स्कीमा स्टोर कर रहे हो उसमें लाइक टेबल्स यूज करोगे, कॉलम्स यूज करोगे, डेटाबेस यूज करोगे, या डेटा टाइप्स यूज करोगे डिफरेंट, तो उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर की जाएगी, मेटा डेटा के अंदर। यानी कि कितनी टेबल्स है आपके पास, कितने डेटाबेस है, कितने कॉलम्स है, तो डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा, कि वो डेटा किस टाइप का है, कितने डेटा है, कितने कॉलम्स है, वो सब किस में आ रहे हैं, मेटा डेटा में आ रहे हैं, जो किससे कनेक्ट हो रहा है आपका, हाइव QL प्रोसेस इंजन, जो आपका क्या करेगा, स्कीमा को प्रोसेस करेगा। इसी के अंदर ये एग्जीक्यूशन इंजन है, दोनों वर्क करेंगे और फाइनली क्या बना देंगे, मैप रिड्यूस जॉब्स को क्रिएट कर देंगे, जो फाइनली कहाँ पे जाएगी, HDFS डेटा स्टोरेज के पास में। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये कि यही थ्योरी में ऊपर लिखी हुई है, आप पढ़ के देख लो चाहे, कि क्या कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, एनालाइज कर रहा है उसके बिग डेटा को, साथ के साथ स्टोर कर रहा है स्कीमा को इन द डेटाबेस, देन प्रोसेस कर रहा है डेटा को इनटू द HDFS। इसके लिए क्या कर रहा है, ये SQL टाइप लैंग्वेज प्रोवाइड करता है फॉर क्वेरिंग, कोल्ड कौन सी लैंग्वेज है, HQL बोल दो या हाइव QL बोल दो। तो ये था हमारा हाइव। अब देखते हैं अपाचे हाइव और पिक के अंदर डिफरेंस क्या हो सकते हैं। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि सर अपाचे पिक वर्सेज अपाचे हाइव क्या होता है, तो वो देखते हैं अपन अब। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन हाइव एंड पिग। देखो हाइव क्या होती है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज यूज करता है, जिस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हाइव QL, जो किसकी तरह सिमिलर होती है, SQL की तरह होती है। सेकंड, ये हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज करता है,
विच इज योर पिगलेटिन फॉर प्रोग्रामिंग। लेकिन जावा की तरह इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं है, जहां पर आप 20 लाइन लिखते हो जावा की, वहां पे एक लाइन में काम हो जाता है पिगलेटिन में। तो ये डिफरेंस है। सेकेंड, ऑपरेट्स ऑन द सर्वर साइड। देखो यहाँ पर सर्वर साइड किसका, क्लस्टर की सर्वर साइड पर ऑपरेट किया जाता है, और ये क्लाइंट की सर्वर साइड क्लस्टर की, ठीक है, क्लाइंट साइड पर होता है ये। और ये देखो ओनली स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि RDBMS से रिलेटेड डेटा को ही करता है, बट ये दोनों बहुत स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है, दोनों। इट डज नॉट सपोर्ट एवरो फाइल, AVRO फाइल फॉर्मेट, ये इस तरह के फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है जो हडूप के अंदर काम आता है कुछ, ठीक है, बट ये सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट ही। और ये देखो भैया बढ़िया चीज, फेसबुक ने बनाया था ये, किसने, फेसबुक ने, ठीक है, फेसबुक ने बनाया था। और ये पार्टीशन जो भी आप डिवाइड कर सकते हो डेटा को अलग अलग फॉर्मेट्स में, तो वो कर पा रहा है ये, बट इट डज नॉट। याहू है ना, जो याहू ने इसको डेवलप किया है, किसको, PIG पिक को, अपाचे पिक को याहू ने डेवलप किया है, बट ये पार्टीशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस थे, आपको आइडिया लग गया अपाचे क्या होता है, ठीक है, अपाचे हाइव क्या होता है, पिक में डिफरेंस क्या होता है, एंड हाइव का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह से डेटा प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से क्वेरी डिजाइन हो रही है। सो आई बिलीव अब आपका सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक काम कर दोगे क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस। ओके, सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।